हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इडली बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। हम इडली बनाएंगे जो कि हम सांभर के साथ या नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस इडली को हम डायरेक्ट तड़का भी लगा सकते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हमने एक कटोरी सूजी की लेनी है, उतना ही हमने कर्ड डाल लेना है। इसमें दही डालना है, एक कटोरी दही की डाल लेनी है और हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस चीज़ को। आप दही खट्टा भी हो, नॉर्मल दही भी चलेगा, सूजी बारीक और मोटी भी दोनों से बन जाती है इडली। देखिए, हमारा ये बैटर ऐसा बनके तैयार हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्योंकि जो सूजी है, पानी सूजी में थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, तभी जो हमारी इडली सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा पानी डालना है हमने, क्योंकि दही में भी थोड़ा सा रहता है। अभी ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो इसमें। कोई देखो, हमारा बैटर पतला पतला सा हो गया थोड़ा, तो अभी हम थोड़ी सी इसमें इनो डालेंगे। जैसे कि हमने हाफ वो पाउच इसमें इनो का डाल लिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप नमक मिर्च कुछ भी डाल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने अकेला नमक और इनो डाली है। हाफ पाउच डालना है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि इनो सफिशेंट है। बैटर को देखकर कि हल्के हल्के बबल्स बन जाएंगे। अभी हम इडली स्टैंड में रख बनाएंगे। इसको आप माइक्रोवेव में बना सकते हो। अभी हम हल्की सी ऑयलिंग करेंगे। एक एक स्पून डालेंगे जो हमारे पास बैटर तैयार हुआ है। हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे, हल्का सा पानी गर्म होने तक हमने थोड़ी तेज़ आंच पे रखना है। बाद में हमने इसको थोड़ा कम कर देना है, स्लो कर देनी है फ्लेम। अभी आप इसको देख सकते हो, 7-8 मिनट के बाद ये हमारी इडली। अभी हम इसके में नाइफ़ लगा कर देखेंगे। अगर वो चीज़ हमारी नाइफ़ क्लियर आ गई तो हमारी इडली बनकर रेडी है। अगर नहीं आई तो हमारी इडली अभी रेडी नहीं हुई। हमारी इडली बनकर तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है। हमारी इडली बनकर तैयार है। तो अभी नाइफ बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हम इसको नाइफ के बैक साइड से हम इडली को निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से निकल जाती है। हमारी इडली बनकर तैयार है, बहुत सॉफ्ट इडली। अभी हम इसको सांभर के साथ भी सर्व कर सकते और इडली को तड़का भी लगा सकते हैं राई का, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपके पास नारियल की चटनी है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है। सांभर की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।